मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुरमुरा का एकदम नया रेसिपी। ये आपने कभी नहीं खाया होगा। ये ज़्यादातर कर्नाटक में बनते हैं और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में बनता है। कर्नाटक में इसको सुसला बोलते हैं और महाराष्ट्र में इसको सुशीला बोलते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल मुरमुरा, एक बाउल पुटाना, उसको मिक्सर में डाल के पाउडर बना के रखिए। 5-6 मिर्ची लीजिए, जीरा लीजिए, अदरक लीजिए, कड़ी पत्ता और धनिया लेके उसको अच्छी तरह पीस के एक बाउल में निकाल के रख लीजिए। अभी तड़के के लिए उड़ीद दाल, राय, जीरा, कड़ी पत्ता, पिसा हुआ मिर्ची, प्याज, 3-4 चम्मच इमली का रस, थोड़ा सा गुड़, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और धनिया। पहले एक बर्तन में मुरमुरा का डाल दीजिए। उसमें पानी डाल के अच्छी तरह धो के भिगो के रख लीजिए। अभी गैस पर तवा रख के उसमें 2-3 चम्मच तेल डाल दीजिए। तेल गर्म होने के बाद उड़द दाल डाल दीजिए, राय डालिए, जीरा डाल दीजिए, पिसा हुआ मिर्ची डाल दीजिए और प्याज डाल दीजिए और कड़ी पत्ता भी डाल दीजिए। अच्छी तरह मिक्स करके प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक मिक्स कीजिए। प्याज ट्रांसपेरेंट होने के बाद उसमें इमली का रस डाल दीजिए। इमली का रस थोड़ा सा उबल आने के बाद उसमें गुड़, हल्दी पाउडर, फिर उसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, डाल के मिला लीजिए। अच्छी तरह फ्राई होने के बाद उसमें 1/2 कप पानी डाल के मिक्स करके उसके ऊपर ढक्कन लगा के बॉईल होने के लिए रखिए। अभी भिगोने के लिए रखा हुआ मुरमुरा को पानी से अच्छी तरह निचोड़ के निकाल दीजिए। बाद में उबालने के लिए रखा हुआ प्याज का सब्जी को चक कीजिए। भिगोया हुआ मुरमुरा डाल के अच्छी तरह मिला लीजिए। अच्छी तरह मिक्स हो गए तो गैस बंद करके उसमें 2-3 चम्मच पुटाना का पाउडर डाल के मिला लीजिए। मिलाने के बाद लास्ट में उसमें धनिया डाल दीजिए। सभी होने के बाद प्लेट में निकाल दीजिए। प्लेट में निकाल के ऊपर से नारियल और थोड़ा सा धनिया डाल के सर्व कीजिए।
ये रेसिपी कैसे लगा आपने मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।